अच्छा दिस आफ्टरनून राइट। सो हर फूल मोहिनी इज़ अबाउट दो अलग अलग रीजन से आते हैं लोग, पंजाब ओ सॉरी हरियाणा और केरल से। मैं हरियाणा से आता हूँ हर फूल चौधरी, और ये केरल से आती हैं मोहिनी। तो अरेंज मैरिज होती है और कैसे लव स्टोरी होती है, ट्विस्ट होती है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ओवर यू। हाँ सो मैं थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ कि हरकुल जो है वो थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा गुस्से में रहता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल कम है खुद पे। और मोहिनी ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी पॉइज्ड है, काफ़ी उसको पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। तो ये एकदम दो अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। वो कैसे एक साथ उनका जर्नी कैसे शुरू होता है और आगे जाके हाउ दे मैनेज विद ईच अदर इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। जी रिवील आउट होने वाला बाद में जाके कुछ कॉम्प्लेक्शन को ठीक करेंगे। आप जैसे कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हो, इस ट्रेलर में भी देखा हमने, तो कुछ आगे जाके आप केयर होती है, ऐसे ही रहेगा फिर? नहीं, सी जो स्टोरी है वही एक केरला की लड़की और एक हरियाणा का लड़के की है। तो हम लोगों को एक डिफरेंस दिखाना है ना, सो ऑब्वियसली वी हैव गॉन कि लाइक अगर हमें डिफरेंस दिखाना है तो वो डिफरेंस विजिबली भी दिखना चाहिए। तो इसलिए एंड कॉम्प्लेक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि जस्ट बिकॉज जगह बदल गई उससे कलर तो चेंज नहीं हो जाएगा। सो इट्स हाँ जी थोड़ी सी बिगिनिंग में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनर्स अवेलेबल थे ऑल द टाइम कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, या अगर इधर मुझे थोड़ा मलयाली वर्ड यूज़ करना है तो वो कौन सा वर्ड होता है, तो उस तरह से। हाँ जी, आई एम मॉडल ऑल्सो, बट इसके लिए ऐशी सेट की डिक्शन ट्रेनर्स थे हमारे पास, तो वी हैव बिन लकी एंड फॉर्चुनेट। और फुल मेहनत डाली है सर, मतलब वो डायलेक्ट पकड़ने में और लहजा पकड़ने में, वो कैसे बात करता है। वो रूट्स तो जाते नहीं है बिकॉज मूड अपना उसी में आता है, तो नो डाउट आ जाता है, बट तोड़ दूं तेरा। इन पंजाबी इट्स लाइक कि खोपड़ा तोड़ दूं तेरा, इन हरियाणवी इट्स लाइक कि खोपड़ा तोड़ दूं तेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशनल मेमोरी थी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में हरियाणवी लड़के थे, तो वो काम आया सब। हरियाणवी पुलिस वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानता हूँ। से डायलॉग जरूर हर हो फूल जाए। मोहिनी जो आपका सीरियल आ रहा है उसी हाँ, से रिलेटेड कोई डायलॉग है वो मूवी में? अरे छोरी के देख रही से मारे को घूर घूर के। हाँ, एक तो बड़ी बड़ी आंखें करके के डेले फाड़े है क्या, है मारे को खान का इरादा से क्या सारा? अरे बोल ना, मुस्कुराई जावे है बोल। हम तुमको बिल्कुल नहीं देख रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया तुमको देख रहा है लेकिन हम तुमको बिल्कुल नहीं देख रहा। देखता क्यों वैसे है? देखती है, देखता देखता इधर तो सारा डिक्शनरी प्रॉब्लम्स है। सो हाँ हम लोगों का थोड़ा ऐसा चलता रहेगा कि मेरी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो मैं लड़का का वो लड़की की तरह कई बार बोल देती, तो उसको इसको उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे बहुत मजा आता है। व्हाट अबाउट द कल्चर डिफरेंस? कल्चर डिफरेंस भी आपको देखने को काफ़ी मिलेगा कि उनके वहाँ पर कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे कैसे मनाए जाते हैं। और मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि केरला के फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। मैंने खुद को भी बहुत नई चीज़ें सीखी कि अच्छा वहाँ पर विशु होता है, वहाँ पर इस तरह से पूजा की जाती है, तो मज़ा आया शूट करने में भी। और थोड़ा बहुत जो कल्चर डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा इन द शो। पहले ही देख ली थी। मैं इसीलिए पहले बोल रही हूँ, तुम बताओ। देखो हरफूल चौधरी हरियाणा का बहुत अल्लड़, मतलब हथेली पे दिल लेके चलता है अपना,
जो है मुंह पे है, और गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, जब आता है निकाल देता साथ के साथ। तो ये वैसे है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है ऑन दी अदर साइड। तो ये मेरी लाइफ में आती हैं, तो कैसे आगे जर्नी बिल्डअप होती है, इसके लिए आई थिंक आपको शो देखना पड़ेगा सर। शो के जरिए सबसे पहला मैसेज तो हम यही दे सकते हैं कि जो आपने शायद से ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो कैसे बोलती है कि गोरा होने में उसका क्या अचीवमेंट है। सो लोगों को ये चीज़ रहती है थोड़ा सा माइंड में कि ये बंदा ऐसा है तो ये अच्छा है, वैसा है तो अच्छा नहीं है। उसके गुण नहीं देखेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस पे जज करेंगे। सो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत एक झटके में आप समझ सकते हो कि नहीं, हम लोगों को उस चीज़ से आगे बढ़ के भी देखना चाहिए। एंड ये जो स्टीरियोटाइप है कि इफ़ यू आर फेयर देन यू आर ब्यूटीफुल, इफ़ यू आर नॉट फेयर यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो वो चीज़ हम हटाना चाहते हैं कि एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। एंड हम लोगों को इंसान की काबिलियत क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे घर पे पहाड़ी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और थोड़ी बहुत ही इंग्लिश बोली जाती है। हाँ हाँ उसी तरह की, और बहुत फनी वे में बोली जाती है। पंजाबी मेरी दादी और दादू बोलते थे, पर मुझे समझ आती है पहाड़ी और पंजाबी, पर मुझे बोलने एक भी नहीं आती।